आप सभी भाई बहने मिलने के इच्छुक है ना स्मिता बहन से, तो कल तो सभी ने वीडियो देखा होगा जब आए हॉस्पिटल से, और कोई कोई पूछ रहे थे कि क्या हुआ। हुआ कुछ नहीं, थोड़ा सा ड्रामा होता है पर वो फिर ठीक भी हो जाता है। थोड़ा चक्कर आया था, गिर गए थे, फिर कुछ समय हॉस्पिटल में रहे, अभी घर में थोड़ा सा और धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। कल से आज थोड़ा और अच्छे हैं, कल और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सभी के शुभ संकल्प साथ में है और बाबा की दुआएं, बाबा का वरदान जो है बच्चों को आगे बढ़ाता रहता है। अभी हमने स्मिता बहन को कहा कुछ प्रेरणादायी बोल बोलो सबके लिए। हाँ, ओम शांति। बहुत समय से मना, जैसे ये लॉकडाउन आदि शुरू हुआ है तब से हर एक का आंतरिक पुरुषार्थ कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मेरा पर्सनली ये पुरुषार्थ चल रहा था कि आगे होने वाली बहुत सारी चीजें जो है वो बाबा मुझे पहले से ही टच करता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ताकि हमारी अवस्था जो है वो वैसे बनती जाए। बहुत बार हम वर्णन करते थे उस बात का, पर कई बार कई लोग ये भी सोचेंगे देखो इसको खुद का ही कितना पड़ा है, खुद के बारे में ही बता रही है कि ऐसी तबीयत होने वाली है, ये होने वाला है। तो इसलिए ये बात का वर्णन हमने किसी के सामने नहीं किया। पर जब भी योग में बैठते थे, ज्ञान माना खुद से कुछ पुरुषार्थ करने की बात होती थी, तो ऐसे लग रहा था कि माना बाबा हम बच्चों को विशेष कुछ न कुछ अपने साथ का अनुभव कराना चाहता है। और माना मुझे तो याद नहीं है कि मैं कब हॉस्पिटल में गई या क्या हुआ, पर माना जैसे जैसे बहनें बता रही है तो जो मैंने सीन पहले देखा था तो वो सीन बिल्कुल एक्यूरेट वैसे का वैसा ही मुझे समझ में आ रहा है। तो जैसे बाबा हम बच्चों की केयर करता है, बस हम हिम्मत रख कर कर आगे बढ़ते हैं तो बाबा मदद अवश्य करता है। तो हमारा 100% निश्चय बाबा के ऊपर कितना है, तो वो हमें बहुत मदद करता है कि किस अनुसार हम बाबा के बनी हैं, बाबा पर हमारा संपूर्ण निश्चय है और बाबा ही हमें संभालेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बाबा पर निश्चय होता है जब सब कुछ सही चल रहा होता है, और जब कुछ विपरीत बातें होती है तो फिर लगता है कि नहीं अभी निश्चय थोड़ा हिल रहा है। पर ऐसी जब बातें हो रही थी तो हमारा बाबा के साथ का जो गहरा निश्चय है वो और ज़्यादा पक्का होता गया और बहुत अच्छी स्थिति और अच्छी अवस्थाएं जो है वो अनुभव हुई। जब मैं आईसीयू में थी तो मुझे याद नहीं है आईसीयू में माना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर हाँ इतना याद है कि मैं बाबा से क्या क्या बातें करती थी और बाबा जैसे मेरा हाथ पकड़ करके मुझे पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगवाता था, और बहुत अच्छा वो एक अनुभव था। मतलब मुझे क्या हो रहा है मुझे याद नहीं था उस समय, पर बाबा मेरे द्वारा क्या कर रहा है वो अनुभव मुझे याद था। और अभी सुबह मनीषा बहन भी मुझे बोल रहे थे कि आपको आपने एक बार बताया था कि हरिशंकर भाई ने ऐसे ऐसे अनुभव किया, आपको क्या अनुभव हुआ। तो मैं तो कुछ समय पहले वो भूल गई थी कि ऐसे बाबा हर आत्मा को अलग अलग अनुभव कराता है। तो बाबा ने जैसे पिताजी को भी ये एकदम शरीर से डिटैच होने का और
कोमा में जाने का या वो आईसीयू में एकदम से दुनिया से अलग होने का अनुभव कराएगा, तो वैसे ही कुछ अनुभव जो है वो हमारा रहा और बहुत अच्छा वो स्थिति का अनुभव करते रहे। और जब थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस में आती गई मैं, माना समझ में आने लगा कि अभी ये ऐसा हमारे साथ हो रहा है, माना ये सब कुछ जो कुछ है वो शरीर माना जो कुछ भी ब्रेन को कुछ हुआ है या हमारे शरीर में कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा मैं तो आपकी लाडली बच्ची हूँ ना, फिर आप मुझे ऐसे कैसे तकलीफ में नहीं रख सकते हो, तो मुझे जल्दी से ये सब बातों से ठीक करना है। और ऐसे कुछ नहीं था कि मैं बैठ के योग कर रही हूँ और माना जैसे कोई मेरे साथ है, नहीं ऐसे जनरली थोड़ी बहुत बातें बाबा से होती थी। और फिर थोड़े समय के बाद पता चलता था कि अरे हाँ इनका वो सिटी स्कैन का रिपोर्ट एकदम अच्छा आया है, ब्रेन की हीलिंग एकदम अच्छी हो रही है, मतलब बहुत अच्छा वो एक अनुभव था कि हम बाबा को कुछ कह रहे हैं और हमारे कहने के पहले बाबा ने पूरा कर दिया है। तो वो एक और आप सभी की तो दुआएं हैं ही, पर विशेष मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जब भी कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई तो बाबा ने मुझे बहुत मदद की है। और उसके बाद बाबा जो सेवाएं कराता है वो मतलब मेरे बस की नहीं होती है, क्योंकि वो तो बाबा ने दी हुई शक्तियाँ है और वो उसी हिसाब से हमें मदद करता है। मैं ज्ञान में आने के पहले भी ऐसे ही मेरे शरीर के साथ बहुत बड़ा हिसाब था, और माना जैसे बाबा ने मुझे ये नया जीवन दिया तो तब से लेकर के अब तक ये ईश्वरीय सेवा में चल रही थी। और अभी एक पुनर्जन्म ही हुआ ऐसा कहेंगे, और बहुत अच्छा सा माना जैसे नया ही कुछ बन के निकलेगा ऐसा लग रहा है। तो वो भी एक अच्छा रहेगा कि बहुत सारी पुरानी आदतें, बहुत सारी पुरानी गलतियाँ जिसको सुधारने में दीदी शायद हम लोगों को बहुत बहुत बार बोलते रहते थे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, पर हम उनकी बहुत ज़्यादा सेवा ले रहे थे, तो बाबा ने वो सारा जो है वो एक साथ ही निकलवा दिया। और फिर अभी जो आगे का जीवन रहेगा वो तो और ईश्वरीय सेवाओं में आगे काम आएगा ही, और फिर वो तो कितना समय चलेगा वो तो बाबा ही जाने और बाबा के बच्चे जाने, तो उसी रीति से चल रहा है। और अच्छा है, मना कल तक हॉस्पिटल का था पूरा माहौल, अभी बाबा के बच्चों का है और हाँ बाबा के घर का है, और घड़ी घड़ी मना बहनों का, दीदी का और भाई बहनों की मना प्यार के वाइब्रेशंस मिलना, तो वो भी एक बहुत हमें खुशी देकर जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कल के जब बाबा की मुरली चली थी उसने बताया था कि बधाई कब कब देते हैं, जब किसके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको बधाई देते हैं, जब किसकी शादी होती है तो बधाई देते हैं, जब किसी का जन्मदिन होता है तो बधाई देते हैं, कोई बड़ा दिन होता है तो बधाई देते हैं, और बीके भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा दिन है सतगुरुवार। तो सोमवार को गए थे यहाँ से शाम को स्मिता में, और बुधवार को दोपहर में आ गए बाबा के घर में 12:15 बजे, और आज सतगुरुवार है आप सबसे मिल रहे हैं। तो जैसे बताया ना पुनर्जन्म, तो सचमुच पुनर्जन्म होता है इस संगम पर, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ सेवाएं रही हुई होती है, जिससे जान के दादी बोलते ना, दादी को बुला लिया, दीदी को बुला लिया, मुझे किस लिए रखा, बार बार दादी ऐसे बोलते थे मुझे किस लिए रखा, तो बाबा को कोई सेवा करानी होती है इसलिए हरेक का पार्ट जो है वो फिक्स है।
उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसे स्मिता बहन का भी एक प्रकार से नए जन्म में नया जन्म हो गया, तो उनको बहुत बहुत